धरती हरी भरी होनी चाहिए, पेड़ पौधे होने चाहिए, पीने के लिए पानी होना चाहिए, साफ हवा होनी चाहिए। लेकिन क्या आज के जमाने में ये सब है? नहीं। और अगर नहीं है तो फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आइए आज हम आपको उस शख्स से मिलवाते हैं जिसे देखने के बाद आप भी उसे पर्यावरण पुरुष कहने पर मजबूर हो जाएंगे। बाड़मेर का पर्यावरण पुरुष 85,000 पेड़ लगाने वाले नरपत सिंह राजपुरोहित। पर्यावरण दिवस के मौके पर आपको उस शख्स की कहानी जरूर जाननी चाहिए जो पिछले 7 सालों से लगातार पर्यावरण को बचाने के लिए एक मुहिम चला रहे हैं। बाड़मेर के रहने वाले नरपत सिंह राजपुरोहित अब तक करीब 85,000 पेड़ लगा चुके हैं और पर्यावरण संरक्षण के लिए 7 राज्यों की यात्रा कर चुके हैं। नरपत सिंह राजपुरोहित ने छोटे छोटे पक्षियों के लिए रेगिस्तान के इलाकों में लकड़ी के घोंसले बनाए हैं, जिसका उद्देश्य है कि पक्षी इस घोंसले में अंडा दे सके और उनका शिकार ना हो। नरपत सिंह बताते हैं कि उन्होंने अपनी बहन की शादी में दहेज प्रथा को खत्म करने में 251 पौधे दिए थे। नरपत सिंह लोगों से आह्वान करते हैं कि हर इंसान को कम से कम 2 पेड़ जरूर लगाने चाहिए। मेरी यात्रा 7 राज्यों को हो गई है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली, राजस्थान में चल रही है और हरियाणा और पंजाब में पूरी हो गई है, इन राज्यों में, और राजस्थान के 7 जिले हो गए हैं मेरे। मेरी यात्रा का मोटो है पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य। पर्यावरण के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा आम लोगों को पर्यावरण के प्रति मोटिवेशन किया जाए, जैसे कोई जन्मदिन पार्टी हो, शादी सालगिरह हो, उसका जो पार्टी का खर्चा 5% पर्यावरण पे लगाया जाए। नरपत सिंह 7 राज्यों में बड़े सरकारी अधिकारियों के सरकारी दफ्तर या उनके निवास स्थानों पर पेड़ पौधे लाकर लगाते हैं, जहां पर पेड़ लगाने के बाद उसको समय पर पानी मिल सके। नरपत सिंह पर्यावरण प्रेमी के साथ वन्य जीवों से भी प्रेम रखते हैं, इसलिए अब तक कई चिंकारा को बचा चुके हैं। राज्य पशु चिंकारा जो 133 बचाई है, 4 मोर, 4 खरगोश, 1 नीलगाय, 1 बाज, 2 शिकारी को पकड़ाए। राजस्थान फर्स्ट का देश प्रथा को मानते हुए मैंने सिस्टर की शादी में सिर्फ देश का पौधे दिए थे, कुछ नहीं दिया था। मेहमानों को देश के रूप में पौधे दिए थे और बाराती को पौधे दिए थे। सिस्टर के साथ जाके ससुराल, वहाँ पर हर घर में 2 पौधे और देश वाले भेंट किए थे ताकि पौधे परेज होकर बड़े हो गए, मतलब पौधे सक्सेस हो सके। नरपत सिंह से हर इंसान को सबक लेना चाहिए और अगर समय रहते हम पर्यावरण को लेकर नहीं जागे तो हमारे हालात काफी बिगड़ जाएंगे। बाड़मेर से जी मीडिया के लिए भूपेश आचार्य की रिपोर्ट।